अब रुख करते हैं तांजिला वाला का, जहां वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का वीएन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिला में तहसील को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाया जा रहा है। मौसमी तब्दीली के पेश नजर शजरकारी मुहिम भी जरूरी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की क्या खिदमत है? जैसा कि क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में 10 अरब पौधे लगाने का जो फैसला किया है, आने वाली नस्लों के लिए ये नवीद हयात भी है। और मौसमी तब्दीली के हवाले से अगर बात करें तो शजरकारी मुहिम का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ताने वाला और CO अकरामुल्ला संधू साहब भी म्यूनसिपल कमेटी के हमारे साथ मौजूद हैं। और अब सबसे पहले हम असिस्टेंट कमिश्नर ताने वाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पौधों से दोस्ती, सेहतमंद मौसम की आपने टालने वाले के अंदर बुनियाद रखी है और ग्रीन बेल्ट और पूरे शहर को मॉडल सिटी बना रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर पाकिस्तान की हिदायत पर और सुप्रीम कोर्ट ने की जो लैंडमार्क जजमेंट आई है कि ग्रीन पे करें, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, इसके ऊपर हमने ग्रीन बेल्ट के ऊपर इंक्रोचमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत पहले की खत्म कर चुके हुए हैं। अब जो इंक्रोचमेंट एरिया को हमने क्लियर करवाया है उसके ऊपर हम ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। बड़े अच्छे पौधे मंगवा के जो कॉस्टली भी हैं, रॉयल पाम, क्वीन पाम है, पाइक्रस है, इस तरह के वो उनको बना रहे हैं, उनको करके फिर प्रॉपरली इंशाल्लाह इनकी मेंटेनेंस भी की जाएगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे शहर में प्लांटेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। और सर, साफ दहात प्रोग्राम भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत हैं, साफ दहात प्रोग्राम के लिए कोई प्लानिंग की है आपने? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो हमारे तहसील कौंसिल की बेलदार माली है उनको भी हमने अटैच किया है सिटी में, ताकि मैं एक दफ़ा सिटी को मॉडर्न सिटी डिक्लेयर करवा के यहाँ पर ग्रीन ग्रीन के अकॉर्डिंगली प्लांटेशन करवा लें। उसके बाद हम तहसील कौंसिल में निकल जाएंगे, वहाँ पर जो पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस है और जो सड़कों के साथ ग्रीनरी है, घास फूस है, वो उनका करेंगे और इंशाल्लाह फिर जातों में हमारी फोकस हो जाएगा। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ताने वाला ने कहा कि हमने इंशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक ताने वाला को एक मॉडल सिटी बनाएगा और पूरी तहसील के लिए जो हमने इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल और बेलदारान की भी ड्यूटी लगाएंगे, साफ जहाज प्रोग्राम के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसा कि मिल के लगाएंगे जान तो साफ होगा पाकिस्तान, और साफ होगा पाकिस्तान तो सेहतमंद होगा पाकिस्तान।